भगवान बुद्ध का प्रिय होता है। बांस का एक पुल, भाई बांस का तो कंडीशन देख के थोड़ा डर लग रहा है। पूजा आरंभ किया, भक्त बहुत आता है, माँ बहुत जो जो मांगता है तो मिलता है। 620 साल पहले ये मंदिर बना था, जो कोलकाता में काली घाट मंदिर है या फिर दक्षिणेश्वर में दक्षिणेश्वर काली माता का मंदिर है, उससे भी ये काफी पुराना मंदिर है, जिसे जामा मस्जिद के नाम से जाना जाता है। नमस्कार, हेलो बंधुओं, स्वागत है आप सबका घर बैठे पूरा हुगली डिस्ट्रिक्ट देखो के फिर से एक नया एपिसोड में। और आज हम लोग रिसड़ा में, आज हम लोग रिसड़ा को एक्सप्लोर करेंगे। पर जैसा कि आपने हर वीडियो में देखा होगा कि हम लोग जहां भी एक्सप्लोर करते हैं वहां के रेलवे स्टेशन से हम लोग शुरू करते हैं, बट आज का वीडियो थोड़ा सा हट के होने वाला है। आज रेलवे स्टेशन से नहीं, रिसड़ा के एक बहुत ही खास और एक बहुत ही प्रसिद्ध जगह से आज की वीडियो की हम लोग शुरुआत करेंगे। तो हम और हमारे कालू साहब बिल्कुल तैयार हैं, चलिए रिसड़ा को एक्सप्लोर किया जाए। पर क्यों ना रिसड़ा घूमने से पहले रिसड़ा को थोड़ा जान लिया जाए। रिसड़ा भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में एक शहर है। रिसड़ा की उत्पत्ति पूर्व औपनिवेशिक युग से हुई है। रिसड़ा ब्रिटिश राज के तहत भारत की पहली जूट मिल हेस्टिंग जूट मिल का घर था। रिसड़ा का संदर्भ पहली बार 15वीं शताब्दी में लिखे गए विप्रदास पिपलई के काव्य मनस मंगल में देखा गया था। रेसरा, रिसरा, ईसरा, इचेरा, इच्छा आदि के रूप में जाना जाता है। जादवपुर विश्वविद्यालय में हमारे देश के गांवों के नामों के संबंध में एक शोध कार्य किया गया था। यह देखा गया कि हमारे देश में एक ही नाम पर कई गांव हैं, लेकिन रिसड़ा नाम को यूनिक पाया गया। एक फ्रांसिस यात्री वर्निया द्वारा ट्रैवलिंग डिस्क्रिप्शन पर लिखी गई बुक में रिसड़ा गांव का नाम देखा गया। सेन राजवंश के दौरान ऐसा कहा जाता है कि भागीरथी नदी के तट पर संतों ऋषियों के आश्रम थे। ऐसा माना जाता है कि रिसड़ा नाम ऋषि शब्द से लिया गया होगा, जिसके साथ यह माना जाता है कि यह बहुत लंबे समय से जुड़ा हुआ है। मुगल काल के दौरान रिसर गांव और उसके उपनगर घनी आबादी वाले थे। क्षेत्र की गर्म और आर्द्र जलवायु कपड़ा उद्योग के लिए अनुकूल थी, इस प्रकार यह भूमि कपड़ा और रेशम बुनाई के लिए प्रसिद्ध थी। यहाँ हिंदू बुनकर बढ़िया सूती कपड़े बनाते थे, जबकि मुस्लिम बुनकरों ने रेशम निर्माण में एकाधिकार किया था। क्षेत्र में और उसके आसपास की उपजाऊ भूमि में धान, जूट और सुपारी बहुतायत में उगाई जाती थी। डैनिश शासन के तहत इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंतिम चरण के दौरान संपूर्ण नागरिक प्रशासन पूरी तरह से बाधित हो गया था। सेरामपुर शहर पर कब्जा करने के बाद ब्रिटिश कंपनी ने इसकी नागरिक सुविधाओं की देखभाल शुरू की और यहाँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस अपने महान पलायन के समय रिसड़ा आए और विश्राम भी किए थे। एक पुराना औद्योगिक शहर होने के कारण यहाँ कई मंदिर और मस्जिद है। रिसड़ा में एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है जिसका नाम श्री श्री माँ सिद्धेश्वरी काली मंदिर है, जिसकी स्थापना 600 साल से भी पहले की बताई जाती है, जो कि श्री जटाधर पाकरासी द्वारा की गई थी। और रिसड़ा में आपको प्रेम मंदिर आश्रम, पंचानन मंदिर, बुद्ध मंदिर शहर के कुछ बहुत ही पवित्र स्थान है। हालांकि रिसड़ा के आकर्षण और उत्सव में से मुख्य है जगधात्री पूजा। नवंबर के महीने में देवी जगधात्री का आह्वान किया जाता है, जो बड़े पैमाने पर यहाँ मनाया जाता है। यह हुगली जिले का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है, जिसमें जयश्री टेक्सटाइल, हिंदुस्तान नेशनल ग्लास, हेस्टिंग जूट मिल, फॉस्फेट कंपनी लिमिटेड जैसे अनेकों कारखाने हैं। तो ये थी रिसड़ा की कुछ जानकारी। अब हम लोग रिसड़ा को एक्सप्लोर करते हैं और यहाँ के जगहों को कुछ करीब से देखते हैं और उनके बारे में जानते भी हैं। तो निकल पड़े हैं आप लोगों के साथ रिसड़ा को एक्सप्लोर करने। और खास जगह इसलिए मेंशन किया क्योंकि सुनने में आया है कि रिसड़ा में बुद्ध मंदिर है और पूरे हुगली डिस्ट्रिक्ट में 3 मंदिर है बुद्ध मंदिर, बट रिसड़ा में ही 2 मंदिर है। तो सोचे क्यों ना शुरुआत बुद्ध मंदिर से किया जाए। तो चलिए सबसे पहले बुद्ध मंदिर पहुंचते हैं। बहुत पुराना है, 50 साल का आसपास है। बुद्ध विहार, जदवन बुद्ध विहार रिसड़ा, पंचनतला बाजार है। तो यहाँ पर हम लोग बुद्धिज्म है, सुबह शाम को भगवान बुद्ध का प्रेय होता है। उसके बाद मानव सभा है, जो गरीब दुखी है उसका वस्त्र दान देते हैं और
उत्सव भी होता है यहाँ पर। यहाँ पर हर संडे क्लास होता है बच्चे का और बुद्धिज्म का। ये एक्चुअली बुद्धिज्म है लेकिन मानव धर्म है, मानव धर्म का सेवा करते हैं हम लोग विश्ववासी के लिए हम लोग और जगत का सब प्राणी के लिए हम लोग मैत्री मंगल करते हैं। आज एक्सप्लोरर आर 21 यूट्यूबर चैनल से आया हम लोग, धन्यवाद। और मैं भी उसका आशीर्वाद कर रहा हूँ सबको, जगत का सकल प्राणी में सुख शांति रहने के लिए भगवान बुद्ध तरफ से नमो बुद्धाय। हुगली डिस्ट्रिक्ट में 3 बुद्ध विहार है, यहाँ पर इसरा में 2 है और एक बेंडल भी है। तो जैसा कि मॉन्क जी ने बताया था, 2 बुद्ध मंदिर है, ये दूसरा बुद्ध मंदिर है। यहाँ आना बहुत ही आसान है, आपको रिसरा रेलवे स्टेशन पर उतरना होगा, वहाँ से 3 नंबर बाजार है उस तरफ जाकर आप टोटो या फिर ऑटो लेकर सीधा इस मंदिर तक पहुँच सकते हैं। ये जो दूसरा बुद्ध मंदिर है ये पहले वाले से थोड़ा हट के और काफी खूबसूरत भी है। आप सामने ये देख रहे हैं कैसे गोल में कितना अच्छे से डिजाइन करके ये बनाया गया है। और इस मंदिर के करीब आने से ही आपको दूर से ही पता चल जाएगा कि यहाँ पर कोई बुद्ध मंदिर है। और यहीं से दूर देखिए कितना अच्छा व्यू दिख रहा है, तो वहां चलते हैं और देखते हैं कि वो एक्चुअल में है क्या। तो अभी आए हैं रिसड़ा में मौजूद एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही शानदार जगह पर। आपको बैकग्राउंड दिखाते हैं कि कहाँ आए हैं हम। बहुत सही लग रहा है ये जगह, सही बता रहे हैं। रिसड़ा में मौजूद भेड़ी में, यानी कि यहाँ मछली पालन होती है। और ये है बांस का एक पुल। भाई बांस का तो कंडीशन देख के थोड़ा डर लग रहा है, बट अपने कालू को लेके चलते हैं यहाँ से, देखा जाए। ओए भाई साहब, एक भी अगर टूटा हम भी नीचे और कालू भी नीचे। ये देखिए नीचे का कंडीशन है, पूरा काला काला पानी है, बट इसमें धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। फाइनली हम लोग क्रॉस कर गए। अब अंदर चलते हैं और दिखाते हैं यहाँ का नजारा। एक जगह से कहीं से ड्रोन भी उड़ाएंगे अगर एक जगह कोई सही जगह मिल जाए तो, उसके बाद फिर यहाँ का व्यू आपको भी दिखाते हैं। इन रास्तों पर साइकिल तो नहीं चला पाएंगे क्योंकि लेफ्ट राइट जिधर भी देखेंगे दोनों तरफ खतरा ही है। तो यहाँ चलते हैं धीरे धीरे और सही स्पॉट को ढूंढते हैं। ये देसी जुगाड़ बहुत सही लगा। ये जो गेट बना हुआ है बीच में, ये ऑटोमेटिक गेट है, अपने आप ही ये बंद हो जाता है। आपको दिखाते हैं, ये देखिए जैसे कि हम गेट को खोल दिया ना। अब ये देखिए हम सिंपल से इसको छोड़ देते हैं और ये गेट अपने आप ही क्लोज हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जुगाड़ लगाया गया है, ये रस्सी के साथ रबड़ को बांध के रखा हुआ, उससे क्या होता है रबड़ अपने आप को खींचता अपनी तरफ और गेट क्लोज हो जाता है। तो भैया ये था देसी जुगाड़, एकदम जबरदस्त वाला है ना। ये था रिसड़ा में मौजूद भेड़ी मछली पालन जहाँ होता है। व्यू कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमें तो भाई सही बताया तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। और जो इवनिंग का टाइम है अभी ना, तो यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा है। जो ठंडी ठंडी हवाएं, बहुत सही लग रहा, पीसफुल जगह लग रहा है यहाँ पर। बट फिलहाल यहाँ से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या क्या रिसड़ा से आपको दिखा पाते हैं।
अब हम लोग आ चुके हैं रिसड़ा के जयश्री टेक्सटाइल के अंदर और यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर और भव्य सा मंदिर है। तो चलिए मंदिर चल के दर्शन करते हैं। तो अभी हम लोग आ गए हैं जयश्री टेक्सटाइल में मौजूद श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर। बहुत ही बड़ा और बहुत ही भव्य मंदिर है ये। और ये जो पूरा मंदिर है इसका जो कैंपस है बहुत ही सुंदर है। ये देख रहे हैं, ये देखिए एक सुंदर सा तालाब बनाया हुआ है, एक बहुत ही अच्छी शेप में, राउंड शेप में कह सकते हैं। इसमें पानी भी है, बीच में एक आइलैंड की तरह बनाया गया है और फिर यहाँ से ये मंदिर दिखता है ना, बहुत सुंदर। तो चलिए इस पुल से होकर आपको आइलैंड तक लेकर जाते हैं। सही लग रहा है यार, मंदिर के बगल में इतना सुंदर दृश्य, आइलैंड के बीच में एक पहाड़ भी बना हुआ है। तो फाइनली अब रिसड़ा रेलवे स्टेशन के बारे में जानने का टाइम आ गया है। ये रिसड़ा रेलवे स्टेशन हावड़ा बर्दवान मेन लाइन रूट में पड़ता है। इस स्टेशन का कोड है RIS। यहाँ पर टोटल 4 प्लेटफॉर्म है और इसको ओपन 1854 में किया गया था। तो अपने जो है यहाँ से आगे बढ़ते हैं और अपनी तलाश जारी रखते हैं। तो अभी हम लोग आ चुके हैं रिसड़ा के श्री श्री सिद्धेश्वरी काली माता मंदिर। और कहा जाता है कि ये सिर्फ रिसड़ा का ही नहीं पूरे कोलकाता का सबसे पुराना मंदिर है। जैसे कि दक्षिणेश्वर काली हो गया या काली घाट हो गया, उससे भी ये पुराना मंदिर है। चलिए अंदर चलते हैं और अंदर का भी आपको नज़ारा दिखाएंगे, दृश्य दिखाएंगे और बातें भी करेंगे और यहाँ का हिस्ट्री भी जानेंगे कि आखिर ये मंदिर बसा कैसे यहाँ पर और इतना पुराना ये मंदिर है कैसे। बंगाली में कुछ ईयर तो लिखा हुआ था बट पूछते हैं और पता करते हैं ये कब का बना हुआ है। तो जैसे आप इन करेंगे, इन करते ही सबसे पहले आपको महादेव का दर्शन करने को मिलेगा। महादेव का दर्शन करने के बाद आगे बढ़ेंगे तो फिर आपको मेन मंदिर मिलेगी काली माता की। एक रात उनको माँ सपने में आया तो उनको बोला कि ये तालाब जो है उस तालाब से तालाब में माँ है। तो जाके तालाब से डूबा तो उसको घट निकाला है, जैसा वो सपने में देखा था वही सपना हिसाब से उन्होंने बनाया। तो वो आधा तक देखा था, पैर उसने देखा नहीं, तो जितना तक देखा उन्होंने बनाया उतना तक ही बना के मंदिर में रखकर प्रतिष्ठित किया। तब से मैं पूजा आरंभ किया। भक्त तो बहुत आता है, माँ बहुत जो जो मांगता है उसको मिलता है, तो विश्वास सबके पास है, इसीलिए सब आता है। मंदिर की स्थापना बंगाली कैलेंडर से 811 में हुई थी बट अगर उसको अगर हम लोग इंग्लिश कैलेंडर में कन्वर्ट करते हैं तो ये आपका 1404 ईयर्स आता है, यानी कि अभी से 620 साल पहले ये मंदिर बना था। जो कोलकाता में काली घाट मंदिर है या फिर दक्षिणेश्वर में दक्षिणेश्वर काली माता का मंदिर है, उससे भी ये काफी पुराना मंदिर है। और यहाँ की काली माँ ऐसा कहा जाता है कि वो बातें करती है और बातें सुनती भी है, इसलिए यहाँ पर भक्तों की भीड़ लगी रहती है। सैटरडे को शाम को तो आपको यहाँ पर पैर रखने का जगह नहीं मिलेगा, इतना भीड़ होता है। और काली पूजा में यहाँ भयंकर लेवल का भीड़ होता है। यहाँ आना बहुत ही आसान है, रिसड़ा रेलवे स्टेशन उतरना है, वहां से आपको पुराना
यानी कि बड़ा वाला टिकट काउंटर की तरफ जाना होगा। वहां से ऑटो या फिर टोटो लेकर आप 10 रुपए में इस मंदिर तक पहुंच सकते हैं। आप आइए जरूर, अगर आप हुगली में हैं, कोलकाता में, कहीं भी हैं, इस मंदिर में एक बार आइए, आपको एक अलग ही एहसास होगा। और रिसड़ा को एक्सप्लोर करते करते हम लोग आ पहुंचे हैं यहाँ के हिस्टोरिकल प्लेस हेस्टिंग जूट मिल, जो कि इंडिया का सबसे पहला जूट मिल था और आज भी ये बिल्कुल उसी कंडीशन में रनिंग है। चलिए थोड़ा सा अंदर से, फैक्ट्री तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा दिखाना, बट कोशिश करते हैं कुछ अंदर का भी आपको व्यू दिखाने का। ये है हेस्टिंग जूट मिल के अंदर का क्वार्टर्स जहाँ पर लोग रहते हैं, और ये ब्रिटिश टाइम से है जैसा बना था वैसा ही आज भी है, और कलर भी वही कलर आज भी मेंटेन किया गया है। ये जो फैक्ट्री है हेस्टिंग जूट मिल, ये बिल्कुल नदी के किनारे है और ग्रीनरी से भरा हुआ, आप जैसा कि देख भी पा रहे हैं कितना हरा भरा है, और उस साइड में आपको सिर्फ पानी ही पानी दिख रहा होगा। कितना सही लगता होगा ना यहाँ पर रहना, सामने नदी, ग्रीनरी और यहाँ पर शानदार घर, बहुत सही लगता होगा जो भी यहाँ पर रह रहा है। अभी हम लोग रिसड़ा के पंचानन ताला में, और यहाँ है पंचानन बाबा का मंदिर। कहा जाता है कि ये बहुत ही पुराना मंदिर है, छोटा सा मंदिर है बट काफी पुराना मंदिर है। जय बाबा पंचानन। अब हम लोग रिसड़ा को एक्सप्लोर करते करते हैं पहुंचने वाले हैं रिसड़ा के प्रेमा मंदिर। ये बिल्कुल नदी के किनारे ही है, यहाँ पर मैक्सिमम चीज़ जैसे कि मैंने आपको बताया हुगली डिस्ट्रिक्ट में आपको सब नदी के किनारे ही मिलने वाला है। ये है प्रेम मंदिर जन कल्याण समिति, यहाँ पर लोगों की सेवा की जाती है, और जैसे गेट्स आप एंटर करेंगे ये एक सुंदर सा आपको दृश्य दिखने वाला है। ये है हवन कुंड, यहाँ हवन होता है। देख रहे हैं कितना शानदार, कितनी खूबसूरत लग रही है जगह। ये बीच में आपको हवन कुंड भी दिख रहा होगा। और ये जो हवन कुंड है, यहाँ से ठीक बगल में ही आपको एक मंदिर भी दिख रहा होगा, उस मंदिर तक भी चलेंगे और देखेंगे कौन से भगवान इसमें विराजमान है। तो ये है रिसड़ा का प्रेम मंदिर। इस प्रेम मंदिर की स्थापना 1340 में बंगाली कैलेंडर के हिसाब से हुआ था, यानी कि अगर इसको इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से इसको कन्वर्ट किया जाए तो ये होता है 1930 के आसपास। इस प्रेम मंदिर आश्रम के संस्थापक श्री श्री तारानंद जी महाराज थे, जिनकी मूर्ति आप यहां देख भी पा रहे हैं, और यहां पर अर्धनारेश्वर और राधे कृष्ण की मूर्ति भी स्थापित की गई है। इस आश्रम में प्रतिदिन भजन कीर्तन होती है, लोगों की सेवाएं की जाती है, और यहां पर पाठ्यक्रम भी सिखाया जाता है। बहुत ही सुंदर सा, और ये बहुत ही पीसफुल जगह पर है, देख रहे हैं एकदम नदी के किनारे। ये यहाँ पर ओपन स्पेस, इवनिंग के टाइम में यहाँ पर लोग आकर बैठते भी हैं, बहुत ही पीसफुल जगह ये। और पीसफुल होने के कारण पता नहीं हम भी क्यों इतना धीरे धीरे बोलने लगे हैं। वो होता है ना, जैसा माहौल होता है लोग वैसे ही उसी माहौल में रंग जाते हैं। और अगर आप नदी उस पार देख रहे होंगे, आपको जूम करके दिखाते हैं, ये देखिए वहाँ भी आपको काफ़ी पुराने पुराने मंदिर दिख रहे होंगे। तो नदी किनारे आप इस पार हो या उस पार हो, आपको ऐसे पुराने पुराने मंदिर दिखे जाएंगे, क्योंकि तब के राजा महाराजा जमींदार सब नदी के किनारे ही रहते थे, क्योंकि पहले का साधन जो था ट्रांसपोर्टेशन वो सिर्फ नदी ज़्यादा हुआ करता था, इसलिए नदी के किनारे ही सब लोग बसा करते थे। और जितने भी टूरिस्ट प्लेस हो या फिर राजबाड़ी हो, फैक्ट्रीज हो, ये आपको नदी के किनारे ही दिखेंगे। तो प्रेम मंदिर के अर्ध नारेश्वर जी महाराज का दर्शन करके निकल चुके हैं, और अब देखते हैं रिसड़ा में और क्या क्या हम लोगों को मिलता है जो आपको दिखा सके। अब हम लोग रिसड़ा के बाखल एरिया में है, और ये रास्ते पर एक कुछ दिख रहा है, जैसे महल होता है वैसा कुछ दिख रहा है। ये है क्या? काफी ग्रीनरी भी है बाहर में देख रहे हैं, और सही लग रहा है यार, ये तो क्या है ये, देखा जाए। ओके, तो यहाँ पर ये कोई बैंक्वेट टाइप में कुछ है, ये यहाँ पर आप अपने अच्छे समय को, अच्छे दिन को यादगार बना सकते हैं।
ऐसे सब जगहों पर एक मोमेंट क्रिएट करना बहुत ही शानदार होता है। मस्त लग रहा होगा ना यहाँ पे, जो भी शादी कर रहे होंगे एक अलग ही फील आ रहा होगा। अब आप में से कुछ लोग ये देखकर सोच रहे होंगे, काश ऐसे जगह पर हम भी शादी ब्याह करेंगे, कुछ अच्छे मोमेंट बिताएंगे और एक यादगार पल बनाएंगे ऐसे जगह पे। तो कुछ खास नहीं है ना आज की डेट में, ये सब मामूली बात है, बस जम के पैसा कमाओ और अपने खास दिन को ऐसे सब जगहों पर सेलिब्रेट करके उससे भी ज्यादा खास बनाओ। ये है रिसड़ा का सबसे बड़ा मस्जिद, जिसे जामा मस्जिद के नाम से जाना जाता है। और इस मस्जिद की स्थापना 1870 में की गई थी, यानी कि काफी पुराना मस्जिद है रिसड़ा में। ये यहाँ ऊपर में उर्दू में या फारसी में पता नहीं कौन सा लैंग्वेज है, पर कुछ लिखा हुआ है, शायद मस्जिद का नाम होगा, और इस्टेब्लिशमेंट डेट लिखा हुआ है 1870। काफी सुंदर तरीके से और मेंटेन स्थिति में है ये मस्जिद। बहुत अच्छे से यहाँ पर कलर का भी उपयोग किया गया है इस मस्जिद के ऊपर, सुंदर लग रहा है। अभी हम लोग रिसड़ा के GT रोड पर हैं और ये एरिया जो है, इस एरिया को संध्या बाजार के नाम से जाना जाता है। तो आपको हुगली में मैक्सिमम जो भी आपको जगह दिखेंगी वो सारे आपको GT रोड के आसपास ही मिलेंगे, क्योंकि जैसे ही आप अंदर की तरफ जाएंगे तो उस टाइम में वो एरिया पूरा खेत खलिहान हुआ करता था, इसलिए वहाँ पर वैसा कुछ आपको देखने को मिलेगा नहीं। और आज के डेट में वहाँ सिर्फ बस्तियाँ बस गई हैं, तो मैक्सिमम जो भी जगह है वो GT रोड के आसपास में ही मिलेगा, वहीं हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं। कुछ बच्चियाँ फुटबॉल खेल रही हैं। क्या बोल रही हो? ले भाग गई। ये यहाँ पे बच्चे लोग फुटबॉल हॉकी खेलते हैं। अभी तो प्रिपरेशन नहीं हुआ है, बट 7 तारीख के बाद स्कूल खुलेगा तो ये घास वास भी कट के ये ग्राउंड अच्छे से हो जाएगा।